फाइनली हम जो है कुणाल भाई से मिल ये डालो मैं जा रही है और कुणाल भाई को लेके अपन जा रहे हैं इनके लैपटॉप देखने और मैं डिलीट मार दूंगा ये मैं बता रहा मेरे को पासवर्ड पता है खाते हुए नहीं देते यार बैड मैनर्स Hey, good morning guys. Welcome back to my channel, Ghummakkad VK and this is your VK. So, आज है 6 अगस्त और सुबह के बज रहे हैं 11:30 और आज हमें कुछ कुछ काम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है. आज हम जा रहे हैं अपने लिए एक सुंदर सी मोटरसाइकिल देखने जो कि हमारे लिए सुटेबल हो लॉन्ग राइडिंग के लिए और दूसरा हम जा रहे हैं कुणाल भाई के लिए एक अच्छा सा लैपटॉप देखने. अभी के लिए मैं फटाफट से रेडी हो गया हूँ. हमारी जो दीदी हैं वो बहुत ही अच्छे पराठे बनाती है तो आज बने आलू पराठे और हम खाते हैं पराठे और इसके बाद ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं फटाफट से अपने काम की तरफ. व्लॉगिंग का लेवल होने वाला है थोड़ा सा अप क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं मिरफैक का माइक जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था राइट. और व्लॉग नंबर है 3 जैसा कि मैंने वादा किया था 100 नंबर व्लॉग तक मैं गिनाता रहूंगा कि व्लॉग नंबर 3 है. तो यार सोचा तो हमने भी ऐसा ही कुछ था कि व्लॉगिंग शुरू करेंगे मोटो व्लॉगिंग करेंगे गाड़ी से घूमने जाएंगे तो वीडियोज डालेंगे और बाइक राइडिंग पे जाएंगे तो सिर्फ तभी वीडियोज डालेंगे. बट एज आई गॉट टू नो के व्लॉगिंग इज़ एन एडिक्शन सीरियसली मतलब ये मेरे लिए तो एडिक्शन हो गया अभी और एडिक्शन से ज़्यादा ना मतलब ऐसा हो गया कि अपने व्लॉग्स बनाते हैं देखते हैं उनको एडिट करते हैं चीज़ें समझते हैं तो डेली लाइफ में ना बड़ा एनर्जेटिक फील होता है कि अच्छा आई एम डूइंग समथिंग एंड आई डोंट नो मतलब क्या उसका रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा बट बहुत ना मज़ा आने लगा ऐसे एक दो दिन में ही. और ख़ुद को जब दिखता है कि अच्छा आप टेक्निकली थोड़ा सा साउंड हो रहे हो आपको थोड़ी सी चीज़ें आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है बेसिकली जो एक व्लॉगर की लाइफ में हमेशा मैटर करता है बेसिकली हर किसी की लाइफ में मैटर करता है ऑब्वियसली. और क्योंकि मैं जिस तरीके की फील्ड से हूँ मैं खुद एक एक्टर हूँ तो काफ़ी सालों से हम लोग जिस तरीके से सीखते आ रहे हैं यही होता है कि हर दिन कुछ नया सीखो कुछ नया जानो तो वो जो चीज़ें हैं ना वो तो ये बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल ये करने में ना और बड़ा अच्छा. तो मैं अभी जा रहा हूँ फ़िलहाल अपने एक पुराने दोस्त के घर पे जिनसे कि काफ़ी पुरानी हमारी दोस्ती है लेकिन हम काफ़ी वक्त से मिल नहीं पाए हैं. रीज़न के काम था बिज़ी थे इधर उधर बस लगे हुए थे. अभी कुणाल भाई उनके घर पर रुके हुए हैं तो इसी बहाने हमारा उनसे मिलना भी हो जाएगा और कुछ शिकायतें जो उनकी हमसे रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी. तो मिलते हैं उनके घर पर सी यू देयर. देखते हैं इनका क्या रिएक्शन रहेगा अचानक से मुझे देख के. गुड मॉर्निंग ब्रदर. ओह सही है हमारे बहुत पुराने दोस्त पीयूष रैना इनका नाम है. आई एम श्योर जितने भी लोग टीवी देखते हैं इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे. अरे कमाल है ये. कैसे हैं पीयूष भाई आप? ग्रेजुएट या नाइस नाइस अच्छा दिख रहा है. वैसे अदिति उनका कहना है कि वो बहुत बुरी हालत में है वो कैमरा में खुद को दिखाना नहीं चाहती तो ठीक है एक बार वो रेडी हो जाती है देन हम वापस आते हैं. फाइनली हम जो है कुणाल भाई से मिल ये डालो मैं जा रही है और कुणाल भाई को लेके अपन जा रहे हैं इनके लैपटॉप देखने और मैं डिलीट मार दूंगा ये मैं बता रहा मेरे को पासवर्ड पता है खाते हुए नहीं देते यार बैड मैनर्स अपन लोग आएगा भी मैक फ्रीक्स कुणाल भाई का लैपटॉप देखने के लिए. देखते हैं क्या आपने को यहाँ पर डील मिलती है. अभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ रहा है. ये रहा है हमारा कुणाल. तो हम लोग गए थे मैक फ्रीक्स कुणाल भाई के लिए लैपटॉप देखने के लिए तो लैपटॉप हमने देखा बट कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ पाया थोड़ा सा आउट ऑफ बजट भी था और ऑब्वियसली मैक है तो एज यू नो मैक्स का तो प्राइस हमेशा ऊपर ही होता है. फिर उसके बाद हम लोगों ने जो बात की थी बाइक के शोरूम के लिए हमें पहले जाना था हम जा नहीं पाए क्योंकि लेट हो रहे थे. तो शाम को जब हम गए तो पता चला कि वो शोरूम एक्चुअली हमेशा के लिए वहाँ से बंद ही हो गया बिकॉज ऑफ कोविड वो हट ही गया वहाँ से. तो अभी देखो अभी हम लोग जा रहे हैं आयंगर्स बेकरी
हमने सोचा थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए, जिससे हमें कुछ ज़्यादा ही प्यार है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आयंगर्स बेकरी का केक खाने के लिए, जो कि है अंधेरी ईस्ट में। तो बस हम लोग पहुँच ही गए हैं, मिलते हैं आपको केक खाने के बाद। सो दिस इज़ आर आयंगर्स बेकरी अंधेरी ईस्ट, हमारी फेवरेट, हम अक्सर यहीं पर ही आते हैं हमेशा केक खाने के लिए। ये हमारे काफ़ी सारे केक्स हैं यहाँ पर, आई एम श्योर आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे केक्स के ऑप्शंस हैं, आप जितनी बार आएंगे आई एम श्योर बहुत ही यमी केक्स मिलते हैं यहाँ पर। और सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि मीठा एकदम बराबर होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको मीठा मिलेगा या ऐसा कुछ। नॉट शुगर फ्री एग्जैक्टली, बट हाँ डायबिटीज़ वाला आदमी भी खा सकता है, टेस्ट कर सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बहुत कुछ आज कर नहीं पाए, जितना भी करना चाहते थे सब अधूरा ही रह गया, कुछ बंद था, कुछ मिल नहीं पाया, कुछ मुंबई का ट्रैफिक ने नहीं करने दिया। सो एक वर्ड बता दो जो मैंने आपको सिखाया अभी। कौन सा? जो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? परवर्ड क्या? इट वाज नॉट परवर्डेबल। इट वाज नॉट परवर्डेबल। ओके, सो मैंने आज एक टेढ़ा मेढ़ा सा मराठी शब्द भी सीखा, खैर जो अच्छा आज दिन में हो पाया। सो बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, नफ़रत के इस दुनिया में प्यार फैलाते रहिए, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। सो आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज़ योर घुमक्कड़ वीके। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, और आई थिंक अब हम नेक्स्ट मिलेंगे जब हम लोग ट्रिप करने जा रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।